जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बृहस्पति वार का दिन 28 दिसंबर, इंद्र योग में पुनवर्षु नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत थे। आज इंद्र योग है, पुनवर्षु नक्षत्र है और बृहस्पति बड़ा प्रबलता से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। चंद्रमा के लाभ स्थान में बृहस्पति का गोचर और मंगल सूर्य के नवम पंचम योग बनाने वाला बृहस्पति आज आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करेगा। पुनवर्षु नक्षत्र का बृहस्पति शुभ होता है, शुभता को बढ़ाता है, पराक्रम शक्ति सुख का योग बनाता है। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है, भाग्यशाली योग है, क्योंकि आज बुध की बदलती चाल और सूर्य बुध मंगल का त्रिग्रही राजयोग, बुध का उदय होकर मार्गी होना और आपकी कुंडली में शनि का इस समय प्रभावशाली योग बनना, क्योंकि आज इंद्र योग में आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे। इंद्र योग में पुनवर्षु नक्षत्र में बृहस्पति आपके जीवन में हर प्रकार का सुख देता है। आपकी बुद्धि, आपका बिजनेस, आपका नौकरी जीवन को प्रभावित करता है। बुध की बदलती चाल से समय आपके लिए शुभ रहेगा। आज लेन देन, खरीदारी, निवेश पर इसका असर देखने को मिलेगा, खास करके आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो काम आपके सफल हो जाते हैं, क्योंकि जब बृहस्पति का प्रभाव होता है, इंद्र योग सर्वासिद्धि योग होता है, तो नौकरी व्यापार में आप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं और स्टूडेंट के जीवन में बड़ा लाभ होता है, यानी कोई बड़ी सफलता आपको मिल जाती है और जो रोजगार ढूंढ रहे हैं उनके जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति भी इसी योग में होती है। आज सूर्य मंगल का एक साथ गोचर करना और आपकी कुंडली में आदित्य मंगल योग का निर्माण, यानी आज राजयोग के साथ शुभ फल प्रदान करने वाला बृहस्पति आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, सौभाग्य लेकर आया है। अब आपके जीवन में साहस भी बढ़ेंगे, पराक्रम भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को भी मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आप जितना मेहनत करेंगे भाग्य उससे ज्यादा आपको देगा। आज आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज मंगल का सूर्य के साथ गोचर करना, साथ ही साथ बृहस्पति का चंद्रमा के लाभ स्थान में गोचर करना आपकी कुंडली को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है, जिससे कठिन परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाती है और कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है। हर कार्य को पूरा करना और उत्साहित होकर बेहतर परिणाम की प्राप्ति करना, कर्म से, धन से और भाग्य से आज आप बड़े भाग्यशाली होंगे। आज गुरु पुष योग भी है, सर्वासिद्धि अमृत सिद्धि योग भी है, यानी आपकी जीवन की दिशा बदलने वाली है, सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ने वाला है, सिद्ध फल की प्राप्ति होने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा, सुख भी बढ़ेगा। अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से जीवन में आप बहुत उन्नति और सुख भी पाएंगे। पुनवर्षु नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में आकर्षण बढ़ता है, धन बल से युक्त आपका जीवन होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ते जाती है और आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, मंगल बृहस्पति का मित्र है, गृहस्थ जीवन और नौकरी का सुख देता है, जीवन में अनेक प्रकार का सुख भोगते हैं और व्यापार भी आपका अच्छा चलता है। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, शुक्र के प्रभाव से आज आपकी जीवन में सुख बढ़ेगा, हर प्रकार के सुखों का भोग करेंगे,
तृतीय चरण का स्वामी बुध है। बुध इस समय सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, जिसकी दशा में आपकी जीवन में अचानक से परिवर्तन भी होगा और आपके नौकरी व्यापार में तरक्की का रास्ता भी खुलेगा। चतुर्थ चरण का स्वामी चंद्रमा है। यही चंद्रमा आपको धन बल से युक्त बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा के लाभ स्थान में बृहस्पति का गोचर है। मंगल चंद्रमा को और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। परिवार में खुशियां बढ़ेगी, बच्चों की तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी जीवन में अनेक प्रकार के कार्य संपन्न होंगे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। भाग्य आज आप पर मेहरबान है। धन मान यश की प्राप्ति और अपने जीवन में लाभ तरक्की सौभाग्य का फल भी आप प्राप्त करेंगे। इंद्रियोग में बृहस्पति का प्रभाव हमेशा ही शुभ होता है और इंद्रियोग में बृहस्पति आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करते हैं। आज का दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति का दिन है। सुख संतोष से जीवन में आगे बढ़ने का दिन है। अच्छे काम करने से जीवन में खुशी और सुख पाने का दिन है और सफलता कामयाबी से जीवन के संकट पर विजय प्राप्त करने का दिन है। आज इंद्रियोग पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति और चंद्रमा के कारण अनेक प्रकार का सफलता आपको प्राप्त होगा। एक नई शुरुआत भी आपके जीवन में संभव है, जो आपको भाग्यशाली और सुखी बनाएगा। सभी प्रकार के कार्य आपके पूरे होंगे, सभी काम आपके सिद्ध होंगे, अभिलाषा की पूर्ति होगी और बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। सफलता कामयाबी लाभ समृद्धि प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव से दिन बड़ा शानदार है। आज बृहस्पति बार का दिन है। आज आप केले के पेड़ में भगवान विष्णु का पूजा करें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बेहतर जीवन की शुरुआत होगी। कठिनाइयां आपकी जीवन की दूर होगी। जीवन में आप कुछ नया करेंगे और सफलता जरूर हासिल करेंगे। परेशानी बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी और भाग्य का सितारा भी चमकेगा। आत्मविश्वास आपका जागेगा। जीवन में धन भी कमाएंगे, एक नई पहचान भी आपकी बनेगी और आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है। तो केले के पेड़ में पीले धागे से हल्दी का गांठ बांधें। बृहस्पति देव खुश होकर वरदान देंगे, शुभ फल देंगे, इच्छा को पूरा करेंगे। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, लाभ होगा, जीवन की मुश्किलें दूर होगी, शुभ परिणाम मिलेंगे। आप भाग्यशाली हैं। ओम बृहस्पते नमः का जाप करें। आपकी जीवन की दिशा भी बदलेगी, आपका भाग्य भी चमकेगा।